बहुत अच्छी मूवी लगी है मुझे, लाइक उसके अंदर मेरे सबसे ज्यादा फेवरेट हीरो हैं रॉकी। बहुत अच्छी मूवी है। जी जी बिल्कुल, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा है मैंने तो, बेहतरीन भाई एक्शन जो उसमें था वो आउट क्लास। उसकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत फैसिनेट करती है। ये पाकिस्तान सिनेमा का असल में बजट लो है ना, इतना पाकिस्तान का एक्सपोजर नहीं जितना इंडियन सिनेमा का आजकल। KGF ने बहुत बंपर कमाई की है, अभी तक करीब 670 करोड़ रुपया वो कमा चुकी है और अभी तो पता नहीं कितने कमाएगी। हमारी हॉलीवुड मूवी हो चाहे हमारी साउथ की मूवी, वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया के अंदर अपनी छाप छोड़ने में कामयाब होती जा रही है। उन्हीं में से एक फिल्म है KGF। आई थिंक आप लोगों ने अभी तक काफी लोगों ने देख ली होगी, जिन्होंने नहीं देखी हो तो आप भी देख लेना, ठीक है। इतनी शानदार मूवी का प्रोडक्शन हमारे देश के अंदर हो रहा है और वो पिक्चरें पूरी दुनिया में अपना डंका बजा रही है और पैसा कमा रही है, तो हम हिंदुस्तानियों के लिए तो ये गर्व की बात। लेकिन बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इन पाकिस्तानियों के पास अपनी मूवी चलाने का कुछ बजट तो होता नहीं है क्योंकि ये भूखे नंगे तो है, क्योंकि ये अपनी हरकतों की वजह से, ऐसे नहीं कि ये पैदाइशी भूखे नंगे, पैदाइशी तो बहुत मालामाल थे, जैसे भारत था वैसे थे, ये भारत से आगे थे एक समय तक, लेकिन ये हरकतों की वजह से अपने भूखे नंगे बदहाली में पहुंच चुके हैं। ऐसे में एक भाई साहब निकले हैं पाकिस्तानी पब्लिक की राय जानने के लिए कि KGF का जलजला आखिर है क्यों, और वो जलजला आपको भी देखना चाहिए और मैं तो देखूंगा ही आपके साथ। शुरू करते हैं। टाइम की मूवीज देखती है? यस। KGF बड़ी मूवी आ गई, देखिए कोई पता KGF के बारे में? हाँ, बहुत अच्छी मूवी लगी है मुझे, लाइक उसके अंदर मेरे सबसे ज्यादा फेवरेट हीरो हैं रॉकी, सो दैट्स व्हाई मुझे बहुत अच्छी लगी। आप रॉकी की फैन है, मतलब हमने देखा संजय दत्त भी उस मूवी के अंदर है, विलन का रोल प्ले करे, तो संजय दत्त अच्छे लगे उस मूवी के अंदर? नहीं, मुझे सबसे ज्यादा रॉकी फैन अच्छी। आपको पसंद है तो मुझे ये भी बता दीजिए कि आपको मूवी का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा इस पूरी मूवी के? मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट पार्ट ना उसका वो लगा था जिस मैन पे रॉकी मरता है, उसका सैड पार्ट था, वो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा। बात तो आपने वैसे सही किया, एक तरह से वो सैड पार्ट भी था, लेकिन होप सो कि क्या पता अगले पार्ट में फिर से जिंदा होकर आ जाए, कोई पता नहीं रॉकी है रॉकी मरता कहाँ है। होप सो, बट मुझे सबसे फेवरेट वो लगा था पार्ट। बड़ा बोरिंग सा रिएक्शन दिया मैडम ने, मजा नहीं आया। मुझे तो नहीं है, आपको आया तो पता नहीं। KGF की बात करते हैं जी, KGF बड़ी भरी दुनिया की मूवी है, रिलीज हो चुकी है, आपने देख लिया KGF? जी देख लिया। आपने देख लिया? नहीं यार, मैंने नहीं अभी देखी, मैं अच्छे प्रिंट का वेट कर रहा हूँ, अरे मेरे कॉपी मास्टर हो, एक OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन ले लो, इतना तो खर्चा कर लो, हर चीज कॉपी करके डाउनलोड करके चोरी से ही देखनी है क्या सालों भूखो नंगो? अच्छा प्रिंट नहीं आया, ये क्या बात हुई भाई, प्रिंट नहीं आएगा तो तुम देखोगे नहीं? देखो हमारी मूवी है। आई एम सॉरी बाबू। बहुत बढ़िया अकलमंदी का काम कर रहे हैं क्योंकि मूवी भी अच्छे प्रिंट में देखने वाली है। मुझे ये बताया आपको KGF कैसी लगी, बड़ी जबरदस्त रोल कर रहा है मूवी है। बहुत अच्छी मूवी है। ये बताएं कि ऐसी क्या वजह रहेगी कि इंडियन सिनेमा इतना तरक्की करता जा रहा है और पाकिस्तानी सिनेमा अपने सिनेमा को देखते उस किस्म की तरक्की नहीं कर पा रहा? इंडिया सिनेमा पाकिस्तान सिनेमा में बहुत ज़्यादा फर्क है। एक तो इंडिया में स्पॉन्सर बहुत ज़्यादा है, इंडिया में एक्टिंग स्किल्स जो वो बहुत ज़्यादा है जो पाकिस्तान में नहीं है, सो दैट्स व्हाई। ये आपकी नज़र में मेन वजह रहेगी अभी तक? एग्जैक्टली। अगर हमारे पास स्पॉन्सर आप भी जाते, मतलब कि फिर लोग कहते हैं कि हमारा बजट कम पड़ जाता होता है, ये भी कोई मसला? बजट भी ऑब्वियसली, बजट के भी बीच में इशू है और एक्टिंग के लिए सब चीज़ें, लेकिन जो इंडियन सिनेमा है वो सबसे ऊपर है, उनका बजट हाई होता है। उनका बजट हाई होता है, मतलब आपने सही बात की, एक ही वर्ड में आपने एक्सप्लेन कर दिया बजट हाई होता है। क्या आपको क्या लगता है क्या वजह? यार जो है ना इंडियन इंडस्ट्री वो मतलब इसको बहुत सपोर्ट कर रही है, पाकिस्तानी इंडस्ट्री इसको मतलब कितना बॉदर नहीं करती है, नहीं इसको सपोर्ट ही नहीं करती है, तो जिस वजह से हम बहुत पीछे हैं। तो मतलब हमारे जो मेन मसला आ रहा है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर मैनेजमेंट में आ रहा है, ऐसे ही कह सकते हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट में भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती यार, कि अगर हम इसको प्रमोट करें तो बहुत से ऐसे टैलेंट है जो सामने आ सकते हैं और इस तरह की हमारी कंट्री में भी मूवीज़ बन सकती हैं जो हम। तो आपने सही बात की, हमने देखा है हॉलीवुड ज़्यादातर अपना इकोनॉमी सारी फिल्म इंडस्ट्री से चला रहा था। ये एंकर है या पजामा है पहले तो मुझे बता दो, ये कह रहा है कि हॉलीवुड अपनी सारी इकोनॉमी फिल्म इंडस्ट्री से चलाता है, मतलब हॉलीवुड और फिल्म इंडस्ट्री में क्या फर्क है इस गधे से पूछो आप, पूछो इससे बस। अरे भाई वो हॉलीवुड है तो फिल्म इंडस्ट्री बनाएगा, पिक्चर ही बनाएगा, वो कौन सी सरकार चलाएगा देश की भाई? फिर पाकिस्तानी आके मुझे बोल के जाते हैं हम गधे नहीं है, तो प्रूफ देख लो भाई। ये बिल्कुल, ये पाकिस्तान सिनेमा का असल में बजट लो है ना, इतना पाकिस्तान का एक्सपोजर नहीं जितना इंडियन सिनेमा का आजकल। बजट डायरेक्शन इनके भी नहीं इतनी स्ट्रॉन्ग है मेरे ख्याल से, इस वजह से। अच्छा तो मुझे ये बताएं कि 4 दिन हो गए KGF को रिलीज हुए हुए, अंदाजन कितने करोड़ का बिजनेस कर गई होगी वर्ल्ड वाइड अभी तक? 80 to 90 करोड़। बहुत अमाउंट होती है, मतलब कि 20 करोड़ पर डे का बिजनेस आप बता रहे हैं 4 दिन के अंदर, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि मेरी बहन आप थोड़ा और एक और तुक्का मार लें, आखिरी तुक्का मार लें, क्योंकि अभी मैं कहूँगा पीछे 100 करोड़, मतलब कि 10 करोड़ की आपने जंप कर दी, आपका फाइनल डिसीजन?
20 to 25 करोड़। आपने तो जिसको कहते हैं एक दिन का बिजनेस मुझे लगता है बता दिए, मैं चार दिन का पूछ रहा हूँ। आई डोंट हैव एनी आइडिया। कुछ तुक्का मार लीजिए थोड़ा। 50 करोड़। भाई इन्होंने 50 करोड़ तो क्या है, आपको क्या लगता है आज नासर कितने करोड़ का बिजनेस होगा? तो जिस तरह की एक्शन मूवी ना राउंड अबाउट कोई 300-400 करोड़ तो होना चाहिए। देखा ना, ये मतलब ट्रू मूवी फैन है, इनको अंदाजा है मूवी का। तो बड़ी मूवी है, मेरे ख्याल में 70 करोड़ किया होगा। 70 करोड़ किया होगा। 70 करोड़ चार दिन के अंदर बहुत बड़ी अमाउंट होती है। लेकिन मेरे प्यारे भाई, मैं कहूँगा अभी आप तरह पीछे हो, मतलब कि थोड़ा और एक बार तुक्का लगा लो, चलें 100 करोड़ कर लें। 100 करोड़ मतलब चार दिन में 100 करोड़, एक दिन का 25 करोड़ होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है। मतलब कि हमने देखा है बॉलीवुड की बड़ी बड़ी मूवीज़ एक दिन का 25 करोड़ कमाती है। तो दिन हो गए KGF को रिलीज़ हुए। KGF 20 तारीख तक वर्ल्ड वाइड 670 करोड़ रुपये कमा चुकी है। भूखे नंगे कंगलो, तुम्हारी जितनी सोच है तुम उतना ही सोचोगे, 70 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, क्योंकि तुम्हारे लिए तो ये भी बहुत बड़ा अमाउंट होता भाई, ये भी बहुत बड़ा अमाउंट होता इन लोगों के लिए तो एक फिल्म से कमाना। कितने करोड़ का बिजनेस कर गई होगी KGF पार्ट 2 अभी तक वर्ल्ड वाइड? 60-40। ये मेरे प्यारे भाई पाकिस्तानी मूवी नहीं है। पाकिस्तानी मूवी तो टोटल 60-40 करती है। लेकिन ये मैं कहूंगा आप एक और बार सोच ले, थोड़ा तुक्का लगाए, KGF बहुत बढ़िया ब्रांड है। 90-80 मतलब आपको फाइनल आई? इनकी सोच ही नहीं है कि भाई इससे ज्यादा रुपये भी होते हैं। 70-80 करोड़ में आके रुक गए, वो भी पाकिस्तानी रुपए, जो इंडिया के अंदर तो 35-34-35 करोड़ ही बनेंगे। तो इनकी सोच ही नहीं, इससे आगे सोच ही नहीं रही है, सोच ही नहीं सकते, क्योंकि इससे आगे तो पैसे ही नहीं होते पाकिस्तानियों के लिए। तो प्राइस बताने जा रहा हूँ, चार दिन के अंदर जो KGF का वर्ल्ड वाइड बिजनेस है वो अभी तक करिए 500 करोड़ का। ओह माय गॉड, 500 करोड़ का अभी तक बिजनेस कर चुके सिर्फ और सिर्फ चार दिन के अंदर। आप अंदाज़ा लगा लो, खाली इंडिया के अंदर 217 करोड़ का बिजनेस कर लिया। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी इतना ज़्यादा। अभी आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर सिनेमा में रिलीज हुई KGF का पार्ट 2 ने जो पहले चार दिन के अंदर जो बिजनेस किया है वो है वर्ल्ड वाइड 500 करोड़। वे यार, 500 करोड़, 500 करोड़ वर्ल्ड वाइड के, मतलब कि वो सारे जो पुराने रिकॉर्ड थी ना वो तोड़ती हुई जा रही है। एक दिन के अंदर 53 करोड़ का उसने बिजनेस किया। बाहुबली के बाद जो बड़ी मूवी आई है वो KGF आई है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है कि बाहुबली काफ़ी बड़ी मूवी थी, पर KGF का तो आपको पता है फिर नेक्स्ट लेवल है। मतलब कि कल तक की जो कलेक्शन है KGF पार्ट 2 की वर्ल्ड वाइड वो है 500 करोड़, और इंडियन के लिहाज से देखा जाए 217 करोड़। बनता है भाई इनका, बनता है। मतलब कितना पैसा कमा चुकी है देखे चार दिन के अंदर, मतलब कि मूवी से पता चलता है बहुत बड़ी मूवी है। बाहुबली KGF दोनों में से कौन सी बेस्ट मूवी? KGF आई थी, यानी आपको बाहुबली से ज्यादा KGF लगी है। अच्छा, अभी तक दुनिया के अंदर 400-500 करोड़ का बिजनेस कर लिया। That's really wonderful. पांच सौ करोड़, इतने पैसे एक सिर्फ चार दिन के अंदर कैसे कमाने वालों को पता हो? कमाने वालों को पता होगा, प्रोड्यूसर तो जैसे कह सकते खुशी से पागल होगा। 500 करोड़ सर, यार आपको पता है माशाल्लाह इसके पीछे हमें लग रहा है 500 करोड़, इसके पीछे 500 करोड़ वाली मेहनत किया तो उनको 500 करोड़ का बजट आया। ये मन में सोच रहा होगा 500 करोड़ तो होते ही नहीं है यार, ये तो बस ऐसे ही है बस। आप लोगों को ये व्यू कैसे लगे, और आपको क्या लगता है कि जो ये पाकिस्तानी जो ये बातें कर रहे हैं 30-35 करोड़ कमा लिए होंगे, इनका आइडिया गेस करने का आइडिया कहाँ तक था, इनकी सोच का लेवल ही आप समझ लो। और फिर ना ये पाकिस्तानी मेरे को बहुत सारे कमेंट करके जाते हैं, खाल औरतें भी करके जाती है, महिलाएं भी करके जाती है, गालियां देके जाती है, तो भाई मैं कहाँ गलत बोलता हूँ भाई मैं? और पाकिस्तानी रिव्यू और KGF के बारे में आप लोगों को क्या विचार है वो कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। वीडियो को आप लाइक मत करो, चैनल को सब्सक्राइब मत करो, लेकिन शेयर जरूर कर दो, शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो शेयर कर दीजिए। भाई ने बोला करने का तो करने का। और एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हालांकि मैं हर वीडियो में करता हूँ, पता नहीं मेरे को क्या चस्का है और मैं कितना नकटा हो चुका हूँ, बेशरम इंसान हो चुका हूँ, मुझे नहीं पता है, लेकिन बस आदत से मजबूर हूँ मैं। तो मेरा इंस्टाग्राम है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, एक बार देख लो, अगर आपको पसंद आए तो फॉलो कर लो, नहीं तो जय सिया राम जी तो है ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।